हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आ चुका था आज ये तार खाने के लिए। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा एक वीडियो दिखाने वाला हूं। और ये तार का मतलब पेड़ है और साल में एक ही बार ये आता है। और आप लोग देख सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है राजू जिसका नाम है, वो एक थैली में डाल रहा है घर लेके जाने के लिए। और ये देख सकते हैं, इसी को तार का कोबा बोला जाता है हमारे इधर। आपके इधर क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो कैसा लगा आप लोग को इस तरह का वीडियो। तो आम का बगीचा था, हम सब आए थे फील्ड में घूमने के लिए। तो मेरा भाई फ़ोन करके बुलाया, बोला कि आ जाओ उसके बाद काटेंगे। तो बहुत बड़ा आम का बगीचा है भाई, तो आप लोग भी देख सकते हो। आम का बगीचा भी मैं दिखाऊँगा अभी आप लोगों को। और ये थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसे काट देता हूँ। और ये देख सकते हैं, ये है इनका नाम है पासी, जिसे पासी बोला जाता है। तो ये पेड़ पे चढ़े थे, उसके बाद काट लिए। सुबह में 6 बजे गए हुए थे, 7:30-9 बजे तक घर लौट गए थे। और ये देख सकते हैं, ये बसपिट्टी है और ये ताड़ का पेड़ है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक ड्रम खोला है जो कि पेड़ के पास ऊपर में लटका हुआ है। और ये सब मेरे ही घर के हैं, ये सारा भाई है मेरा। और ये देख सकते हैं ताड़ का पेड़ आप लोग। और जो भी बंदे मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग भाई वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत करना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग भाई, एक सब्सक्राइब करने में आप लोग का क्या जाएगा बताओ। तो आप लोग मेरे चैनल पे इस तरह ही बने रहें। तो ये देख सकते हैं, अमन जी है जो कि हाथ डाल रहा था मेरे वीडियो के ऊपर मतलब रोकने के लिए। और ये भैया जी हैं जो उनको काटने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा जो है ना जुआ गया है, मतलब टाइट हो गया है, तो जल्दी कट नहीं रहा है। और ये अपना मतलब पैर पसार लिए हैं और काटने पे लगे हुए हैं। और ये जो लड़का आप लोग देख रहे हैं, इस मतलब वीडियो बना रहे थे ना, तो इसको तो मतलब क्या लगता है, तुरंत मतलब कैमरा के पास से गायब हो जाता है। बोलता इसको मतलब डर न लगे लगने लगा कि मतलब कोई मुझे मारेगा ये सब मतलब कुछ। हम बोले अरे हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो तुम वीडियो बना ही रहे ना। और ये देख सकते हैं गाइस, तो मैं अब लोग अभी जा रहा हूँ घर उसमें कोबा लेके। और ये है मेरा साइकिल। और ये देख सकते हैं आम का पेड़, बहुत सारा आम का पेड़ है यहाँ पे। एक मालदा का है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आम का गाछ पेड़ है। और ये देख सकते हैं कितना मस्त बगीचा है। और ये है रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब जर्किन बहुत ज़्यादा है। और हरियाली देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब औसम अच्छा लग रहा है देखने में। और ताड़ का पेड़ है और ये बस पिट्टी है। और जो भी बंदे न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब करना। और इसमें ट्रैक्टर जाता है, ट्रैक्टर का लीक बना हुआ है जो कि ट्रैक्टर जाएगा। और आम का पेड़ में देख सकते हैं चूना मारा हुआ है, कि रात में भी अगर कोई भी आदमी आएगा तो लगेगा कि मतलब यहाँ पे कोई खड़ा है भूत का जैसा। और ये देख सकते हैं, ये जो पेड़ है इसमें मतलब चढ़ने के लिए बहुत सारा अच्छा मतलब बैठती है। अगर कोई मतलब इसको चढ़ने भी नहीं आएगा ना, वो भी चढ़ सकता है उस पेड़ पे। और ये रास्ता यहाँ से ख़त्म होने वाला है। ये बबूल का पेड़ है और ये आम का बगीचा यहाँ से ख़त्म होने वाला और रोड आने वाला है। और हम अपने घर जाने वाले हैं, देखते हैं कितना मिनट में अपना घर जाते हैं। और ये देख सकते हैं बबूल का पेड़ है और ये आम का पेड़ है। यहाँ पे 2 रास्ता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो फिर मैं इधर घुमाया रहा था। और ये देख सकते हैं फिर 2 रास्ता आ गया, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा आदमी अगर जो न्यू आएगा ना तो। और ये मैं साइकिल चला रहा हूँ अपना, और थोड़ा स्पीड अब बढ़ा दूँगा क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा चढ़ाव है। तो यहाँ पर चढ़ाया और सामने देख सकते हैं यही है चढ़ाव था, और सामने 2 लड़की आ रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बंद कर लेता हूँ। और ये है मेरा गुलशन भाई, ये नंगा हो गया था क्योंकि आम के पेड़ पे से उतरा था आम तोड़ के। तो मैं जा रहा था इधर अपने भाई के साथ फोटो। हम इसमें तार ले लिए हैं और जा रहे हैं अपने घर। और ये देखिए
आम का पेड़ है सारा, और इसी रास्ते से हम आए थे और इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। देखिए यह है ताड़ का पेड़ है और ये बिस्पिट्टी है। पहले हम बहुत यहाँ पे आते थे खेलने के लिए। यह है आम का बगीचा। गले में खराश हो गया मुझे। और ये देखिए कैसा पेड़ है, चढ़ने के लिए बहुत अच्छा है और रास्ता उबड़ खाबड़ है। थोड़ा भी टायर स्लिप करेगा तो डायरेक्ट एक बाज में गिर जाएंगे हम। और ये देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है गाइज। तार खाने के लिए आए हुए थे लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि वो तार जो था थोड़ा मतलब जो हो गया था टाइट हो गया था, तो खाने में मज़ा नहीं आता। जो खिंचा रहता है ना वो खाने में मज़ा आएगा, टाइट जो हो जाता है उसको खाने में मज़ा उतना नहीं आता। और ये रोड आ चुका है, वे रोड आ गया है। एक हाथ से साइकिल चला रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा पता नहीं यार, चढ़ा लिए। ये देखिए कैसा था।